गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है आपकी जनाब। राइजिंग पाकिस्तान में हम राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज भी बहुत कुछ है आपके लिए जो हमने सजा बना रखा है आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत ही डाइवर्स किस्म के सेगमेंट्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता तो इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज भी आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आवेजा है इस वक्त तो स्क्रीन पे मेरा नाम, लेकिन इसके फौरन बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर आवेजा हो गया है 0308893649। इस पे आप हमें बता सकते हैं कि आप किस सेगमेंट में क्या चीज देखना चाहते हैं। आज अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के क्लियरिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है। इनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है, हमें बहुत ज़बरदस्त उसका फीडबैक मिलता है। और अब्दुल्ला आज मेरे घर के अंदर जो फेवरेट कमरा है उसको फीचर करने जा रहे हैं। आप गेस करें कि तौसीक भाई का फेवरेट कमरा घर में कौन सा हो सकता है और व्हाट्सएप नंबर पे आप बताएं, और जिसने सही गेस किया उसको हम शाबाश देंगे। नहीं, आप गेस करें या अपना फेवरेट कमरा घर का बताना चाहें कि आपको कौन सा घर का कोना, कौन सा एरिया, कौन सा कमरा सबसे ज्यादा पसंद है। और मेरा फेवरेट कमरा भी आप गेस करके बताएं। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। और अब्दुल्ला भाई फिर अपने सेगमेंट में फीचर करेंगे उस कमरे को और उसके बारे में, उसके इंटीरियर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके लेआउट के बारे में आज जबरदस्त टिप्स देने जा रहे हैं। तो वो लोग जो घर बनवाने के प्रोसेस में या घर को रेनोवेट कराने के ख्वाहिशमंद हैं, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या नया कुछ आइडिया हो, कुछ नया किया जाए भाई, कुछ मतलब बोरियत हो गई है एक ही जैसे एक ही सा देख के ये कमरा, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये अब्दुल्ला आज हमें टिप्स देंगे। इसके अलावा क्या है जी राइजिंग पाकिस्तान में, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में ऑफकोर्स जैसा मैं बता रहा था आपके मैसेजेस होंगे, आपकी भेजी हुई आर्ट वर्क की या आपकी फोटोग्राफी की तस्वीर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंड ऑफ कोर्स प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे सारे क्लास फेलोज इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो दिन है जी टून टून कार्टून का, तो बिल्कुल द एडवेंचर्स ऑफ द लिटिल कार्ब आपको दिखाया जाएगा। और ऑफ कोर्स ये तौसीक अंकल कैसे भूल सकते हैं कि आज दिन है कि आपको मिलियन डॉलर हैबिट, किधर गए आप, इधर आ गया, मिलियन डॉलर हैबिट बतलाई जाए। सो आज की हैबिट क्या हो सकती है, ऐसी कौन सी वो वैल्यू है, ऐसी कौन सी वो आदत है जिसको हमने बचपन ही से, लड़कपन ही से अपनी ज़िंदगी का, अपने तर्ज ज़िंदगी, अपने तर्ज हयात का हिस्सा बनाना है, उसको आदत बना लेना है और उसके बाद वो हमारी सेकंड हैबिट बन जाए और हमारी शख्सियत में निखार आए, कोई पॉजिटिव तब्दीली आए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है ये भी आप सोचें, अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से करवानी है और इस मुलाकात के लिए हम आपको पीटीवी कराची स्टूडियोज लेके जाएंगे। आपको बताएं आजकल हम गाहे गाहे आपको कराची सेंटर में, कुछ अरसा पहले मेरे और सबीन के और कभी मैंने अकेले भी कुछ मुलाकातें की, रिकॉर्ड किए हुए कुछ खास सेशंस हम आपको दिखाते हैं और बहुत ही मज़ेदार वो सेट भी है और बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू भी है जो आप तक पहुँचाई जाती है। ऐसे में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर तैमूर खान से। अब नाम से तो लग रहा है कि वो किसी चीज़ के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी तो डॉक्टरी उन्होंने दूसरी वाली की, लेकिन उसके बाद वो सारंगी के डॉक्टर बन गए। डॉक्टर इन द सेंस कि सारंगी जो बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही खूबसूरत वो उसको प्ले भी करते हैं, बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है टू प्ले। और आपको साथियों एक बहुत ही मैं थोड़ा सा दिल को दुखाने वाली बात भी यहाँ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 लोग रह गए हैं जो कि एक प्रॉपरली प्रोफेशनली सारंगी को बजाते हैं, एक अकॉम्प्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पे, और डॉक्टर तैमूर खान उन 4 में से एक है। इसलिए आज इस हवाले भी से भी हम उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ सारंगी आपको सुनवाएंगे भी, और बहुत ही दिलचस्प उनसे गुफ्तगू हमारी हुई, वो आज हम फीचर करेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान के इख्तिताम पर। तो ये है सब जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा खिलाए हैं आज के राइजिंग पाकिस्तान में। चल के लेते हैं जनाब एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ टून टून कार्टून खेलेंगे, अब्दुल्ला भाई से भी मिलवाएंगे, आपके मैसेजेस भी होंगे। तो ये है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान, रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अलीजा ने हमें याद किया है जेहलम से और उन्होंने तौसीक अंकल की तवज्जो दिलाई एक बहुत अहम मसले की तरफ। वो कहती हैं जी, जो मिलियन डॉलर आदत का सिलसिला आपने शुरू किया है बताने का, क्या एक ऐसी आदत अपने अंदर डाली जाए, अपनी ज़िंदगी में शामिल की जाए जो आगे चलकर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी मदद दे, उसमें ये मसला तौसीक अंकल बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब मसला ज़बरदस्त नहीं है लेकिन मसला बहुत बड़ा है, इसका कोई ज़बरदस्त सा हल बताएं। अच्छा, ये मसला वाकई जब उन्होंने बताया वो बुनियादी तौर पर बड़ा सिंपल सा आसान सा मसला लग रहा है मुझे हल करना, लेकिन जब मैं उसके हल की तरफ बढ़ा तो अलीजा तुमने बड़ा इम्पॉर्टेंट नुकता उठाया और मुझे उसका कोई प्रैक्टिकल वन विंडो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई फौरी हल नहीं मिल रहा। पहले आपको बताते हैं जी अलीजा ने मसला क्या बताया। उसने कहा जी मसला ये है कि आजकल के बच्चों में एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि घर में जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखते नहीं है वापस। पहले मैंने सोचा ये क्या बड़ा मसला है, फिर जब मैंने इर्द गिर्द अपने सारे क्रू से बात की और सब ने कहा हाँ 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 ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। मतलब घर में अम्मी ने कैंची की एक जगह रखी है उस दराज में, अच्छा जी माचिस कहाँ पड़ी है किचन में किस कोने में, अच्छा वो मतलब जो चाबियाँ थीं वो इस जगह पर लटकी होनी चाहिए, अच्छा आपके अपनी अपनी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें होती हैं स्कूल से आए स्कूल बैग कहाँ रखा, अच्छा स्कूल बैग में कौन सी चीज़ें रखनी है कौन सी नहीं रखनी, अगले दिन सुबह एक पैनिक मचा होता घर में, फलानी चीज़ किधर रख दी ये चीज़ किधर रख दी। ये हर घर की कहानी है, ये हर घर का मसला है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो इसका हल है, लेकिन बच्चों इसके लिए फिर मैंने एक एक्सरसाइज डेवलप की है और एक्सरसाइज हम सब ने इसको घर में करना है और एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे आहिस्ता आहिस्ता हमें ये आदत पड़ेगी कि हम घर में जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं वो वहीं रखें। और एक्सरसाइज ये, और ये सब घर वाले करेंगे, एक्सरसाइज ये है कि पहले तो घर को आप इन ऑर्डर कर दें, उसके बाद किसी एक की, जैसे हम छुपन छुपाई खेला करते थे, किसी एक को जाके वो गिनता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाओ आ जाओ। इस तरह की एक्सरसाइज है कि एक को एक शख्स या एक जो भी जिसकी बारी है वो नहीं देख पाएगा और बाकी लोग घर की 3 या 4 चीज़ें मिसप्लेस कर देंगे। यानी मिसाल के तौर पे वही मिसाल लेते हैं, कैंची जहाँ पड़ी होनी चाहिए वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह रख देंगे और कोई और चीज़ उधर से उठा के वो कुशन जो ड्राइंग रूम में सोफे पे जो कुशन इस कोने में पड़ा होता था उसको उठा के किसी और सोफे के ऊपर जाके रख देंगे। इस तरह से 3-4 चीज़ें आप मिसप्लेस करें और जिसकी बारी है वो जाके ढूंढे कि कौन सी चीज़ मिसिंग है घर में और उसको ढूंढ के अपनी जगह पे जाके रखें। इससे आपको आदत पड़ेगी, इससे आपको रियलाइज़ होगा कि जब अचानक किसी को कैंची चाहिए होती है तो और वो नहीं मिल रही होती तो कितना बड़ा मसला हो जाता है। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट बनाएंगे कि जूते कहाँ रखने हैं, कैंची कहाँ रखनी है, कुशन किस जगह होना चाहिए। आप पूरा फैमिली मिलके, देखिए ये अम्मी की सिर्फ ड्यूटी नहीं होती, ये बड़ी बहना की सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये भैया की ड्यूटी नहीं है, अब्बू की चाचू की ड्यूटी नहीं है, ये हम सब की ड्यूटी है कि हमारा घर इन ऑर्डर हो, उसकी हर चीज़ उस जगह पे पड़ी हो जहाँ पे होनी चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत फौरी तौर पे मिल सके। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें ज़रूर बताना है कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, इसको आपने इन्जॉय भी करना है, इसमें आपको पता भी चलेगा बहुत कुछ आप सीखेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती चली जाएगी। तो ये थी जनाब मिलियन डॉलर आदत की टिप जो आज तौसीक अंकल ने प्रोग्राम में आपके लिए शामिल की। और अगर आपकी वैसे अच्छी आदत है ये तो भी हमें बताइए, और घर में अगर किसी को ये बुरी आदत है कि वो चीज़ें उठा के इधर की उधर छोड़ देता है उधर की उधर छोड़ देता है तो उसको भी आप समझाएं कि देखा ये अब एक्सरसाइज है जो हम सब ने करनी है। तो अब क्या करें जी, चल के आपको मज़े का कार्टून दिखाते हैं क्योंकि कार्टून का टाइम है। और अब तो जनाब पता ही चला है कि सिर्फ हमारा जो स्टूडियो क्रू है वही आपको टून टून कार्टून नहीं कहता, जो आप उस एंड पे भी घर में पूरा शोर मचता है और सब मिलके टून टून कार्टून कहते हैं तब हमारा कंट्रोल रूम कार्टून चलाता है। तो फिर जनाब शुरू करते हैं 1 2 एंड हमजा इधर देखो 1 2 3 हमजा तुम्हारी आवाज सबसे ऊंची आनी चाहिए, ठीक है 1 2 3 टून टून कार्टून।